सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जेसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेडनेसडे 20th मार्च 2024, बुधवार का दिन है और आज होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यही जानना चाहते होते हैं कि क्या जो कल होल्ड करके गए उनको कुछ लाभ होगा या नहीं होगा। तो क्लियर बता देता हूं कि डेटा क्या कह रहा है और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। अब आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं, FIIs और DIIs दोनों ही कल नेट बाय में हैं। FIIs, अगर डेटा FIIs और DIIs का देखते हो तो 1421 करोड़ के नेट बाय में FIIs दिख रहे हैं और DIIs तो भाई 7449 करोड़ के नेट बाय में दिख रहे हैं। तो भाई अगर ऐसा है तो कल सेल कौन करके गया? एक भाई ने पूछा कि कल निफ्टी में इतनी जो गिरावट आई वो क्यों आई। देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता कि जो FIIs और DIIs का आप देखते हैं डेटा, वो किसी इंडेक्स स्टॉक में अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो वहां पर दिखेगा नहीं, उसका असर वहां नहीं आएगा और ये कहीं और असर आ सकता है। तो इसके लिए हमको क्या, क्योंकि आप लोग और हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ या ज्यादातर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही काम करते हैं, तो उनके लिए जरूरी होता है कि FIIs का डेटा देखें। तो जब हम FIIs का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो आपको कुछ चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले फ्यूचर्स का डेटा देखना होता है। अगर मैं FIIs डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखता हूं तो पता चलता है कि इंडेक्स में, खासतौर के बैंक निफ्टी का जो है इंडेक्स, इंडेक्स फ्यूचर्स को 34,306 कॉन्ट्रैक्ट्स कल सेल किए हैं FIIs ने, उसके खिलाफ सिर्फ 22,709 कॉन्ट्रैक्ट्स ही बाय किए। तो यानी कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी फ्यूचर्स की। निफ्टी फ्यूचर्स में भी वो यही करके गए हैं, सेल करके गए हैं फ्यूचर्स को। मिड कैप निफ्टी में भी सेल ही करके गए हैं फ्यूचर इंडेक्स। और अब अगर बात करेंगे इंडेक्स ऑप्शंस की, तो इंडेक्स ऑप्शंस में तो कुछ ना कुछ हेज ही हुआ है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन पर भी अगर हमको देखना है तो जरा जरूरी होता है कि हम लोग एक बार पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देखें। तो भाई क्या कर कौन, जैसे कि अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि FIIs अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो FIIs इंडेक्स फ्यूचर को सेल किया है, लेकिन DIIs ने क्या किया, DIIs इंडेक्स फ्यूचर को बाय करके गए हैं। DII इंडेक्स फ्यूचर को बाय करके गए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं DIIs, और पुट को लॉन्ग करके गए। पुट लॉन्ग करना मतलब DIIs पुट खरीद के गए हैं 48,900 उनके पास OI में पुट लॉन्ग है। और अब FIIs की बात कर लेती हैं। FIIs ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं, और स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया, स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर्स में ये लॉन्ग करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, स्टॉक फ्यूचर्स को खरीद के गए हैं। कॉल लॉन्ग किया क्या, कॉल लॉन्ग भी की है इन्होंने, पुट लॉन्ग भी की है, लेकिन कॉल और पुट का कोई ऐसा खास डेटा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हेज के लिए ही पर्पस से यूज किया गया है। कॉल लॉन्ग कौन करके गया, यानी कि कॉल खरीद के कौन गया है, वो गए हैं क्लाइंट्स, यानी कि रिटेल जो है वो कॉल लॉन्ग करके गया है, कॉल खरीद के गया है, सीई में बैठा हुआ है रिटेल। और DIIs तो आपको पता है उनका डेटा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो 48,900 पुट साइड की तरफ ही बैठे हुए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से हेज करके गए हैं। और प्रोज क्या करके गए हैं, प्रोज भी अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स की कॉल को लॉन्ग भी किया है, नहीं जी साहब, लॉन्ग नहीं किया उन्होंने, उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है, वो शॉर्ट करके बैठे हैं कॉल्स को। प्रोज नहीं जाने देंगे भाई ऊपर, ऐसा लग रहा है FIIs का डेटा हेज्ड है, DIIs पुट साइड पे बैठे हैं और सिर्फ बैठे कौन है, रिटेल ही बैठा है कॉल साइड पे। चलिए खैर, अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से एक बार को ओपनिंग हो सकती है। एक फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ गैप अप ओपनिंग हो सकती है, अ बिट ऑफ गैप अप, बट वो फ्लैटिश ही ओपनिंग मैं उसको गिनूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है
बैंक निफ्टी की, तो जो होल्ड करके गए उनको लाभ होने का आसार कम ही नजर आता है। चलिए खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां रह सकती हैं। देखिए निफ्टी 50 में 21,874 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं बाय साइड के बारे में नहीं सोच रहा हूं। 21,874 के ऊपर जाए और वहां सस्टेन करे तभी बाय साइड के बारे में सोचूंगा। वहां से मुझे सीधा सीधा लेवल मिलेगा 21,936 का 21,936, 21,975 21,975, 22,017 मतलब 22,017 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड 22,060-61 22,061 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। वहीं अगर कल का लो कटता है दैट इज 21,793 कट गया अगर, तो देन वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड 21,765 21,765 और 21,765 भी कटा तो 21,721 21,721 और अगर 21,720-721 कटता है तो 21,676 की ओर निफ्टी 50 जाता हुआ आपको दिख सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करनी है हमको बैंक निफ्टी की। जब मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो कल आपको कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, ये कल आपको ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखे। वो ग्रीन में नहीं हुए हैं, वो फ्लैटिश टाइप ही क्लोजिंग हुई है, तो कोई बहुत ज्यादा उस पर अभी असर पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक अभी भी चार्ट्स पे वीक ही नजर आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो खैर उनका क्या असर होगा वो आज आपको पता चल जाएगा। 46,384 पर कल हुई है क्लोजिंग, 46,384 पे क्लोजिंग हुई है। अब 46,400 पर 46,400 भर के कॉल राइटिंग हुई है कल, भर के कॉल राइटिंग हुई है। 43,400 से भी नीचे क्लोजिंग है। 46,400 पे भी अगर बात करूं 46,500 का भी कॉल राइटर कब तक बैकफुट पे नहीं आता। जब तक हम 46,600 के ऊपर जाना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ना तो 46,500 का, आप यही समझ लीजिए 46,400 का भी, 46,550 से पहले जब तक 46,550 के ऊपर नहीं जाना स्टार्ट करेंगे तब तक अपसाइड के बारे में ज्यादा घबराएंगे नहीं ये लोग। 46,550 के ऊपर यहां से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो हमको कहां तक लेके जा सकती है, 46,700 तक, 46,700। अब 46,700 पे बहुत अच्छा ओआई खड़ा है। 46,700 पर अगर हम 46,700 के डोर्स अगर नॉक करते हैं और वो टूटते हैं तो देन वी माइट बी स्ट्रेट अवे, उसके बाद ये समझ लीजिएगा 46,800-900 पे कोई थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर हम सीधा सीधा 47,000 की तरफ जाते हुए भी बैंक निफ्टी को देख सकते हैं ऑन द डाउन साइड। बट ये याद रखिएगा इसके लिए आपको एचडीएफसी बैंक चलना जरूरी है और साथ में चलना जरूरी होगा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और एसबीआई अगर साथ दे देंगे तभी ऐसा होता हुआ प्रतीत होता है, अदरवाइज चांसेस कम है। अब बात कर रहे थे डाउन साइड की, 46,500 पर ही आपको मैंने बता दिया रेजिस्टेंस बना हुआ है, 46,500 पर ही आपको क्लियर है कि रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहां से वापस नीचे कोई तरफ आ सकते हैं। बट अब अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट कहां है, देखिए साहब मेरे को ना तो कोई 46,400 और 46,300 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा हूं नहीं, क्योंकि 46,500 से भी कल पुट राइटर खाली हो गया बिल्कुल, 14,573 कॉन्ट्रैक्ट्स तो वहां से गायब हो गए हैं, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स से ज्यादा 18,238 नए कल नए कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं 46,400 पे। अगर ये टूटता है 46,200 46,300 कोई ज्यादा बड़े सपोर्ट्स नहीं है, तो सपोर्ट हमको कहां मिलता है 46,100 पे। अब दोस्तों 46,100 46,000 पे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट है, 46,000 टूटा तो हम 45,800 और उसके बाद 45,500 तक के लेवल्स की तैयारी बना के बैठा होगा ये बैंक निफ्टी आपके लिए। बहुत अच्छी खासी मूवमेंट आज आ सकती है ये याद रखना, आज एक्सपायरी है और पिछले 3-4 दिन में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि कल भी आपने देखा कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिली है, तो आज कुछ मूवमेंट होगी ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं जरा फिन निफ्टी की भी। जब फिन निफ्टी की बात करते हैं
20650 के ऊपर सोचेंगे हम बाइंग के बारे में, जो हमको 20710 और 20760-70 की तरफ लेके जा सकता है। और अगर 20540 कटता है, 20540 कटता है, तो 20500 एक सपोर्ट रह सकता है हमारा। वो कटा तो 20410-420 तक के लेवल्स भी हमको देखने को फिन निफ्टी में प्राप्त हो सकते हैं। डेटा जिनको लग रहा है बहुत बुलिश है, तो भाई डेटा डूटा कितना बुलिश है वो आपको मैंने बता दिया कि FIIs क्या करके गए हैं, DIIs क्या करके गए हैं, और लॉन्ग में कौन बैठे हैं वो आपको पता चल गया। पब्लिक, जनरल पब्लिक क्लाइंट्स जो हैं वो ही लॉन्ग करके खास करके बैठे हुए हैं। और ऑप्शंस में तो डेटा आपको पता है आज क्या होगा, आज प्रीमियम ईटिंग होगी ऑप्शंस में। ध्यान दीजिएगा कि हल्की से हल्की अपनी पोजीशन रखनी है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आज उतना ही कीजिएगा जितना आप कैपिटल को जाते हुए देख सकते हैं। तो हल्की पोजीशन रखिएगा। कुछ लोग जैसे जो बिल्कुल नए हैं वो भाई 2500-3000 रुपए से ही कार्य करें, बाकी आपने क्या करना है वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर जब मैं बिल्कुल नया था तो मैं 2500-2500 से काम करता था। आप कहेंगे 2500 में तो कुछ आएगा ही नहीं, आज आपको 2-2, 3-3 लॉट भी आते हुए 2500-3000 में दिखेंगे। देख लेना, चेक कर लेना बैंक निफ्टी में क्या होता है आज। तो अगर सही तरीके से चलेंगे तो हल्की पोजिशन रखने में अच्छा बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लॉस हो भी जाए तो भाई क्या जाएगा, 2500-3000 ही तो जाएगा ना, पूरे का पूरा कैपिटल नहीं जाएगा। एवरेजिंग आज के दिन कोई मत कीजिएगा, एवरेजिंग इज अ सिन, एवरेजिंग एक पाप होगा आज के दिन करना। तो एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन को काटिएगा। प्रॉफिट आता है काटो, ठीक है, ज्यादा मत सोचिएगा दोस्तों। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगला बैच जो है वो 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना हो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकता है। आप फोन पे, पेटीएम, जी पे से पेमेंट कर सकते हैं, 10,000 रुपीज उसका चार्ज है, 11 डेज का वो बैच होगा। एंड जो व्हाट्सएप नंबर है वही फोन पे, पेटीएम, जी पे नंबर भी है। व्हाट्सएप नंबर है 7834876736, और यही नंबर आपका फोन पे, पेटीएम, जी पे पर भी होगा। स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा पेमेंट के बाद व्हाट्सएप नंबर पर, और इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में भी मिल जाएगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, साथ में पिंड मैसेज में भी दिख जाएगी। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको इस बात की जानकारी होगी कि हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी यहाँ पर बातचीत की गई है ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पर मैंने बैंक निफ्टी एक्सपायरी का जीरो हीरो भी दिया है, जिसको भी देखना हो वो उसका लाभ ले सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे। बाय बाय।